जमशेदपुर पूर्वी से विधायक और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संयोजक सरयू राय ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जदयू के साथ मिलकर राज्य की कम से कम 30 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये बातें उन्होंने पाकुड़ में एक सभा के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है। इतना ही नहीं, आगामी चुनाव को लेकर सरयू राय ने ये संकेत दे दिए हैं कि झारखंड में अब तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसी भी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। झारखंड में बनने वाली नई सरकार भी भारतीय जनतंत्र मोर्चा अहम और निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में हो गया है। दरअसल सोमवार को सरयू राय अपने निजी कार्यक्रम में पाकुड़ आए हुए थे। उस दौरान सरयू राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी राज्य के 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे कहा कि दो दिन बाद यशवंत सिन्हा से बातचीत होने वाली है उनकी। हमारा प्रयास है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावे राज्य में मजबूत तीसरी शक्ति उभरे जो यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इतना ही नहीं, सरयू राय ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में पक्ष और विपक्ष राज्य के मुद्दों को लेकर कभी गंभीर नहीं रही है, केवल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दोनों एक दूसरे की पीठ खुजलाते रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार को लेकर कई मुद्दों के प्रति ध्यान दिलाया, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्टाचार केवल नारा बनकर रह गया है, यह निष्ठा नहीं रह गई। विपक्ष भी सरकार के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं लगाया है, केवल ईडी और सीबीआई के भरोसे विपक्ष है। मालूम हो कि शनिवार को सरयू राय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच सहमति बनी कि दोनों की पार्टी जदयू और भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक साथ झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जदयू की बात करें तो झारखंड में जदयू खोई हुई अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में है। जदयू इस बार विधानसभा में चुनावी जंग को आजमाने अपने आधार वोट और विकास पसंद जनता के साथ देने की तैयारी में है। जदयू का चुनावी समीकरण भी तय हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में जदयू 22-25% कुर्मी और महतो वोट को साधने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जदयू के रणनीतिकारों की नजर वैसे प्रवासियों पर है जो अब झारखंड के निवासी बन गए हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 7-10% बताई जाती है। दूसरी ओर प्रदेश जदयू ने आज उन सीटों को चिन्हित कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा मजबूत नहीं है या फिर भाजपा के विधायक नहीं हैं। इन सीटों पर जदयू अपने प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के घटक दल अपने सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं या एक अलग रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।